अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग जी। तो मुझे पता चल गया, आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपने बहुत तवज्जो से अपने टीचर को सारे एक्टिविटीज़ और आंसर किए हैं। आज हम इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि है आपके पेज नंबर 15 पर। ये है हमारा पेज नंबर 15, जिसमें है खाली जगह पुर करें, खाली जगह पुर करें। तो ये तो आप खुद से कर लेंगे ना, नहीं? चलें आज मैं आपके साथ करवा देती हूँ। ये है नंबर 1, अल्लाह ने हमें बनाया फिर शक्ल अता की और फिर हमें डैश दी, फिर हमें डैश दी जी। तो फिर हमें अल्लाह ताला ने क्या दिया, यहाँ पर लिखना है, दोबारा पढ़ लेते हैं। अल्लाह ने हमें बनाया फिर शक्ल अता की और हमें डैश दी जी, सीधी राह दी। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे सीधी राह। ये देखिए दूसरी ब्लैंक है, ताकत के ज़रिए हम डैश ला सकते हैं, ताकत के ज़रिए हम डैश ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं हम लोग जी? यस, तब्दीली ला सकते हैं जी। कोई भी चीज़ हम तब्दीली बग़ैर ताकत के हम नहीं ला सकते। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें ताकत दी और उस ताकत के ज़रिए हम तब्दीली ला सकते हैं, है ना? ये है 3rd, अल्लाह ने हमें डैश रहनुमा दिए, अल्लाह ने हमें डैश रहनुमा दिए जी। हमने चैप्टर में पढ़ा कि अल्लाह ने हमें 2 रहनुमा दिए जी। कौन कौन से थे जरा बताइए जी। जी यस, अल्लाह ने हमें कुरान हकीम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमा की शक्ल में दिए। ये हमारी है 4th ब्लैंक, डैश में हमें रास्ता दिखाने के लिए सच्ची कहानियाँ मौजूद हैं जी। फौरन आंसर आ गया, कुरान हकीम। ठीक है, नंबर 5 ब्लैंक देखते हैं, डैश ने हमें सीधे रास्ते पर चलना सिखाया। यस, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सीधे रास्ते पर चलना सिखाया। तो हमने यहाँ पर लिखा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये ब्लैंक्स तो आपने चुटकियों में हल कर दी, लेकिन अब आगे का काम थोड़ा सा थिंकिंग का है। ये देखिए, ये लिखा है सोचिए। नंबर 1 है, तरतीब से लिखिए, अल्लाह ने हमें किन चीज़ों से नवाजा है, अल्लाह ने हमें किन चीज़ों से नवाजा है। वैसे तो अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, लेकिन यहाँ पर चंद चीज़ें हैं जिनकी हमने तरतीब लिखनी है। यह आप काम खुद ही करेंगे, खुद कर लेंगे ना जी। ये है रहनुमा, पैदा किया, शक्ल दी, ताकत दी जी। ये 4 आपके पास वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ने हमें नवाजी हैं। आपने उसकी तरतीब या सीक्वेंसिंग करनी है। पहले नंबर पर हमें पैदा किया, फिर
शक्ल दी और हमें ताकत दी और रहनुमा दिया। ठीक है, नंबर टू है हमारे पास है, अभी तुम्हारे पास कौन सी ताकत मौजूद है जो पहले नहीं थी। जी आप अभी बड़े हो गए हैं, जी क्लास फोर्थ में आ गए हैं, फोर्थ ग्रेड है आपका। आप सोचें जब आप थोड़े छोटे थे तो आप क्या क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास वो पावर मौजूद है, वो ताकत मौजूद है। मैं तो छोटी थी तो पहले मैं पढ़ नहीं सकती थी, लिख नहीं सकती थी, और क्या नहीं कर सकती थी। जी मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं थी, लेकिन अब मैं बोलती हूँ, है ना। तो ये तमाम वो चीज़ें मेरी ताकत हैं। आपके पास क्या क्या नहीं था और अब आपके पास क्या क्या है, आपने यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, कर लेंगे ना। जी नंबर थ्री हमारे पास है, तुम्हारे वालदैन के पास कौन सी ताकत है जो तुम्हारे पास नहीं है। जी आपने यहाँ पर ये थिंक करना है और आपने अपने पेरेंट्स से पूछ भी लेना है कि आपके पास कौन सी पावर ऐसी है जो मेरे पास नहीं है। पेरेंट्स जो होते हैं उनके पास जिम्मेदारी होती है, संभालने की ताकत होती है। मदर होती हैं, वो किचन संभालती हैं, घर संभालती हैं, काम करती हैं। पापा जो होते हैं वो गाड़ी ड्राइव करते हैं, ऑफिस में जाते हैं और बाज़ार से ख़रीदारी भी करते हैं, है ना। वो आप तो नहीं कर सकते ना, ये तमाम पावर्स ही हैं। तो आपने यहाँ पर इन तमाम पावर्स का ज़िक्र करना है और इसके लिए आप अपनी मम्मा से भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये हमारे पास है फोर्थ ऑप्शन। किस किताब में हमें पांच वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। जी किस किताब में। जी हाँ, यहाँ जल्दी से लिख लीजिए। ये है हमारा लास्ट, किसने हमें नमाज पढ़ने का सही तरीका बताया। जी किसने बताया है? नहीं, मम्मा ने बताया, पापा ने बताया तो बताया था, लेकिन सबको किसने बताया था। वही लिखना है आपने। ठीक है, ओके जी। अपनी नोटबुक में आपने ये तमाम आंसर्स लिखने हैं क्वेश्चंस के साथ, और आपने ये काम और भी करना है। क्या करना है, आपने अपने इर्द गिर्द आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी आपसे ताल्लुक़ रखता है, अंकल भी हो सकते हैं, हाँ जी अंकल भी हो सकते हैं, खाला भी हो सकती हैं, पप्पू भी हो सकती हैं, तो उनसे आपने ये पूछना है कि आपके पास कौन सी ऐसी पावर है जो कि आपको पता है कि ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनकी उस पावर का जिक्र आपने उनके नाम के साथ अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, हो गया काम। अच्छा जी, आपके पास बहुत सारे ऐसे लोग आपको दुनिया में नज़र आएंगे जो कि बहुत पावरफुल थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कोई चीज़ तख्लीक कर चुके हैं जो कि सब के काम आ रही है, जैसे इंजीनियर्स हैं, उन्होंने कोई मशीन इन्वेंट करी और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसने कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना लिया जो कि सब के काम आ रहा है, और कोई ऐसे हैं जिन्होंने कोई पूरा मुल्क बना लिया और उसमें लोग रह रहे हैं आज़ादी से और अपनी शहरियत के साथ, अपने सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, है ना। हम मेरे पास कुछ लोगों की फहरिस्त है, मैं आपसे ज़िक्र करती हूँ कि जैसे कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो उनके पास एक ताकत थी जो कि उस ताकत में उनका एक अज़म था,
यानी उनका एक पुख्ता इरादा था, उन्होंने पुख्ता इरादे के ज़रिए हमारा मुल्क पाकिस्तान हमें हासिल करके दिया। और सबसे बड़ी शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका किरदार, इनका अखलाक जो कि हमारे लिए नमूना है और जिसको हम अगर इख्तियार कर लें तो हम बेहतरीन इंसान बन जाते हैं, है ना। अच्छा, और अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल क्या, उनका बेहतरीन मुशाहिदा, उन्होंने चीज़ों को सही से मुशाहिदा किया और मुशाहिदा करने के बाद उन्होंने अपनी शायरी में, अपनी फ़िक्र में उन चीज़ों का ज़िक्र किया जिस पर हम अगर अमल करें तो हम बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। और कोई राइटर्स भी होते हैं बाज़ुकात जो कि इतना अच्छा लिखते हैं कि अगर हम उनकी कहानियाँ, तहरीर, उनके मकालमे पढ़ें तो हमें बहुत गौर व फ़िक्र का मौका मिलता है, जैसे अशफाक अहमद, है ना। अच्छा, कुछ ऐसे साइंसदान थे जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, और कुछ ऐसे सपा सलार भी गुजरे हैं जैसे खालिद बिन वलीद, जिन्होंने अपनी कोशिशों से, जंगे लड़ने से हमें आज़ादी, इस्लाम और उसकी सरबुलंदी के लिए काम किया, है ना। अच्छा जी, तो आपने और इसी तरह 10 ऐसे लोगों की फहरिस्त बनानी है जो कि अजीम ताकत रखते थे और उनकी ताकत ऐसी थी जो कि अब तक हमारे काम में आ रही है, ठीक है। तो बच्चों, आपने अपनी लिस्ट को मेंटेन करना है, आपके टीचर आपको वॉइस मैसेज पर आपसे इसका आंसर लेंगी, और क्या करना है, आपने अपने क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना है और अपने टीचर को भेजना है। मिलेंगे अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।